नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि बरसात के मौसम में अगर आपके खेत हैं तो आपके खेतों में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये हरी मिर्च है, और हरी मिर्च जो होती है हम 12 महीने खाते हैं। तो दोस्तों हरी मिर्च का खाना हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, और ये आप देख सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च से हमारी सब्जी का जो टेस्ट होता है और बहुत अच्छा होता है जो लोग मिर्च खाते हैं। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं, आज मैं आपको अपने खेत में दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये अरबी के पौधे हैं जिसकी चाट बनती है, आप देख सकते हैं। और साथ में ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको पत्तियाँ दिख रही हैं ये पालक है। तो दोस्तों पालक पालक जो होता है, पालक की सब्जी बनती है। मार्केट में जो पालक मिलता है वो थोड़ा अलग होता है, ये वाला जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पालक की सब्जी बनती है, इसको हम पत्तियों को तोड़ते हैं और इससे पालक की सब्जी बनाते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये पौधा जो आपको दिख रहा है, ये गन्ने का पौधा है। तो दोस्तों गन्ने जो होते हैं गर्मियों में खाने के लायक होते हैं। आजकल इसका जो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आज आपको खेत में दिखा रहा हूँ कि बरसात के मौसम में खेतों में क्या क्या होता है। दोस्तों आप शहरों के अंदर रहते हैं तो शहरों के अंदर क्या होता है, सब्जी खाते हैं, सब्जियाँ जो होती हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं, उनको वो किया जाता है, उन सब्जियों को स्प्रे किया जाता है। ये देखो ये नेचुरल चीज़ है, ये आप देख सकते हैं घिया लगा हुआ है। अब ये घिया हम कल तोड़ कर खाएँगे, तो इसको अभी कल तोड़ेंगे, इसको आज नहीं। तो आप देख सकते हैं घी की बेल है, और दोस्तों हमारे जो खेत होते हैं इन खेतों में हमें सब्जी बाहर से नहीं लेनी पड़ती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैंगन का पेड़ है। तो दोस्तों अभी हमने बैंगन तोड़ लिए हैं, तो बैंगन की सब्जी हमने खाई थी। तो जो नेचुरल चीज़ है उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये आप देख सकते हैं बैंगन का पेड़ है, ये भी घिये की बेल है, और ये पालक है, पालक का पौधा है। और ये देख सकते हैं आप, ये भिंडी का पेड़ है। तो भिंडी तो आपने खाई होगी, मगर भिंडी की सब्जी जब खाते हैं तो भिंडी की सब्जी का टेस्ट इतना नहीं आता जब आप देसी भिंडी खाते हो। देसी भिंडी में दिखा रहा हूँ, ये इस सीजन में होती है, देख सकते हैं इसमें भिंडी लगी हुई भी है। दोस्तों इस पेड़ पर अभी जैसे 4-5 भिंडियाँ हैं तो इसमें एक सब्जी तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें भिंडी और भिंडी के ऊपर फूल भी है। और साथ में ये देख सकते हैं आप गन्ने का पेड़, ये देखो ये गन्ना हमारा गर्मी में खाने के लायक हो जाएगा। और ये जो लता दिख रही है आपको पीछे, ये सेम फली है। सेम फली आपने तो खाई होगी, तो सेम फली का भी टेस्ट अच्छा होता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे खेत में क्या क्या है। अब आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये अदरक है। अदरक जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है जिन लोगों को कैंसर होता है, वो लोग अदरक का सेवन ज़्यादा करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अदरक तो वैसे ही हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये देखो ये मक्का है, भुट्टा है, मक्के के कुछ पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं ये भुट्टा है। तो दोस्तों अभी कुछ 5-10 दिनों में ये भुट्टा हमारा खाने वाला हो जाएगा, तो हम इसको तोड़ कर खाएंगे। तो इसका जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त होता है, और भुट्टा खाने जैसे हम, आप कभी भी कहीं घूमने गए शहरों में गए तो उसमें आपको पता है कि वो भुट्टा मीठा नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो लोग नेचुरल वहाँ पर रहना क्यों पसंद करते हैं और उनको नेचुरल चीज़ क्यों पसंद है, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का टेस्ट ही कुछ और होता है। ये आप देख सकते हैं ये भुट्टे के पेड़ हैं। और अब मैं और दिखाता हूँ मेरे खेत में क्या है। तो ये देखो ये आपको जो पेड़ दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो पेड़ है
ये हल्दी का पेड़ है। हल्दी का पेड़ जो होता है, हल्दी तो हम वैसे सब्जी में खाते हैं, मगर हल्दी के पत्तियां जो होती हैं यही हमारे काफ़ी काम आती हैं। और हल्दी का सेवन, कच्ची हल्दी इसको कहते हैं, कच्ची हल्दी का सेवन करने से अगर हमें कोई चोट लगी होती है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हल्दी का पेड़, हल्दी की जो पत्तियां होती हैं ऐसी होती हैं। और ये पेड़ है इसका भिंडी का, इसके ऊपर एक सब्जी तैयार होती है भिंडी के ऊपर, जब भी सब्जी लगेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी भिंडियाँ होती हैं। और मैं अब आपको बताऊंगा, ये जो पेड़ है आप देख सकते हैं, शायद आपने कहीं देखा ना होगा, ये पेड़ हरहर की दाल होती है। तो दोस्तों ये पेड़ जो है हरहर की दाल का है, ये देख सकते हैं। तो हरहर की दाल है, ये देख सकते हैं, छोटी छोटी सी वो भी है, मैं आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों बरसात का मौसम है इसलिए इसके अंदर बीज नहीं है, बीज ख़त्म हो गए। तो ये हरहर की दाल है, दाल का पौधा है, तो इसके ऊपर हरहर की दाल लगती है। वैसे तो छोटे होते हैं मगर ये 2-3 साल पुराना हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे खेत में क्या क्या है। तो अब ये देख सकते हैं, अब ये आपको अमरूद दिखेगा, ये अमरूद का पेड़ है। दोस्तों आप देख सकते हैं अमरूद लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फल फ्रूट जो होते हैं पहाड़ों में हर जगह पाए जाते हैं, खेतों में एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको लगाने पड़ते हैं। देखो इसमें अमरूद लगे हैं, मीठा अमरूद है, और पहाड़ी अमरूद खाना बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये नीचे बड़ी सी बेल दिख रही है, देखो ये बड़े बड़े पत्ते जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये है कद्दू की, सीताफल। तो सीताफल की बेल है, सीताफल जो होता है इसकी भी सब्जी बनती है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों ये देखो, और मेरे खेत में क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं पुदीने के पत्ते हैं। पुदीना तो आपने खाया होगा, ये देख सकते हैं ये पुदीना है, हरा पुदीना। तो दोस्तों पुदीना आप शहर के अंदर मिलता है, तो उस पुदीने के अंदर पुदीनी होती है, पुदीना उसकी जो महक है वो अलग होती है, और पुदीनी जो होती है उसकी महक अलग होती है, क्योंकि पुदीनी की जो महक होती है देखने में होती है जब आप उसको किसी उसके अंदर डालते हैं, तो वो का अच्छी अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं ये आड़ू का पेड़ है, ये देख सकते हैं बड़ा पेड़ है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जब लगे हुए थे, ये बड़ा पेड़ आड़ू का। तो आड़ू ख़त्म हो गया, हमने आड़ू खा लिए हैं। तो और साथ में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे खेत में क्या क्या है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब। और ये दोस्तों ये लता दिख रही है, देखो ये है इसकी लता है, लौंकों की, लौंकी होती है ये, हार्ट का जो पेशेंट होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये लौंकी की सब्ज़ी खाए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ लौंकी के साथ, ये देखो ज़रा ध्यान से देखने दोस्तों। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे जो पहाड़ों के लोग हैं नेचुरल चीज़ें खाते हैं, देखो ये करेला है, ये करेला लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं तो करेले की सब्ज़ी तैयार हो रही है हमारी। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारे खेतों में क्या क्या होता है। ये गुलाब का फूल है, आप देख सकते हैं गुलाब जो है मंदिर में चढ़ाया जाता है, आप किसी को गिफ्ट फूल देते हैं, गर्लफ्रेंड को फूल देते हैं, तो गुलाब का फूल बहुत अच्छा होता है, अगर भगवान को भी अर्पित करते हैं तो भगवान को भी इसको खुशी से लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं। और ये देखो पीछे हमारे पेड़ के ऊपर ये फल लगे हुए हैं, ये देखो बड़े बड़े से। और साथ में अब मैं और दिखाता हूँ आपको, दोस्तों ये हमारा पपीते का पेड़ है, इस पर 12 महीने पपीता लगता है। तो आप देख सकते हैं पपीते का फल, और मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर ये आप देख सकते हैं गन्ने के पेड़ हैं। तो आपने देखा कि हमारे खेत में क्या क्या होता है। अब मैं हरी मिर्च आपको दिखाता हूँ। हरी मिर्च तो आपने पेड़ देखा था, हरी मिर्च नहीं देखी, मगर हरी मिर्च तो आपने खाई है, कैसी होती है। ये देख सकते हैं हरी मिर्च लगी हुई है। तो दोस्तों हम लोग नेचुरल चीज़ खाते हैं, नेचुरल चीज़ खाना पसंद करते हैं। देखो और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हमारे खेत में क्या क्या है। दोस्तों अभी खेत में हमारे मक्का बीजा हुआ है, खेत मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे खेत में और क्या क्या है। अब हम चलेंगे दोस्तों नीचे वाले खेत में। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जो सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों ये है केले के पेड़, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं और इसके ऊपर फल लगा हुआ है, ये देखो जरा ध्यान से। ये देखो तो केले के फल हैं, तो केले का फल भी तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। केला तो बहुत ही 12 महीने का फल होता है। और ये आप देख सकते हैं हमारा खेत है, इस पर अच्छी फसल है, इसमें इसमें मक्का बीजा हुआ है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये खेत पूरा जो है मेरा मक्के से भरा हुआ है। तो आज आप लोगों ने देखा कि खेतों में पहाड़ी लोग क्या क्या बीजते हैं और उनके खेतों में क्या क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।